क्या बोलता है, इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। इनका बर्थ डेट है 2 जनवरी 1899 में। ये बंगाल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। 22 साल के एज में ही इनको इंडियन सिविल सर्विसेज में 1921 में सिलेक्शन हो चुका था। 1947 में ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल बने थे। 1950 में जब इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, तब इन्हें को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ये 20 दिसंबर 1950 से लेके 19 दिसंबर 1998 तक रहे। हार्डवर्क और एफिशिएंसी की वजह से ही इंडिया में फर्स्ट दो इलेक्शन हो पॉसिबल हो पाए। एक था 1951 और 52 के बीच में, और दूसरा था 1957 में। यह पहले सिविल सर्वेंट है जिन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ऐसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।